लेफ्ट और राइट में पीछे आगे जो बैठे ना, फिर हम शुरुआत में वेट करते रहते कि इनका कब खत्म होगा, मतलब अपन एज्यूम करते कि एक आध घंटे में हो जाएगा, तो हम एक डेढ़ घंटे, तीन घंटे का पेपर है, एक डेढ़ घंटे वेट करते, आता हुई नंतर हुई यार, एकदा चेक करते त्या दिवशी जब पोरांना दिले रे पीआर काय त्या मामाने 1000 रुपये 1000 रुपये प्लस घेतले आणि 2000 एक्स्ट्रा घ्या आणि गाडी लगेच देऊन टाका. ओ मेरी दिल की धड़कन तू है, मेरे प्यार की तड़पन तू है, ओ डार्लिंग ओ डार्लिंग ओ डार्लिंग. ओ डार्लिंग ओ डार्लिंग ओ डार्लिंग. काय गाणे अरे यार अपने आपको ऐसा देखने में अलग ही लगता है रे. बाप रे, डेंजर डेंजर. इज्जत तो है मेरी केलो कोंडा. परमेश्वर और ये गिर पड़े. नहीं नहीं, ये गिरना मेरे लिए बहुत नॉर्मल है और अब तो मैं और ज्यादा गिर सकता हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा फिटनेस की तरफ अपने आप को बढ़ा चला हूँ, तो गिरना गिराना तो चलता रहेगा. ये आर्ट ऑफ पार्ट ऑफ लाइफ है मेरी जाने चिंगी. धोखा दिला रे, मोटिवेट करना साला, ये दुख का खत्म नहीं होता बे. रुको जरा, सबर करो, अभी बदत है भाई, अभी बदत है. मनी झोप थोड़ा दादी घे, जर अडवा हो अंगावर रजा घे, मैं पास लाऊ 8 तासांनी उठ, मोटिवेशन ऑटोमेटिक भेटेल. आता मोटिवेशन मागतोय का माझ्याकडे वडापाव, की वडावालाय का मी टेन्शन आहे पण धोका द्यायला मोटिवेशन दी. वडापाव वडापाव का घेतो 20 रुपये का, माझ्याकडे तो अंड्या. वन्स मोर अरे तुला कंटाळी ती बाबा, फंडर नाही मला करणार ती. अरे प्रेम लागतं मुलींना, आपण की लागतं, रिस्पेक्ट लागतो तुझ्या का माकडांना, कोण रिस्पेक्ट दिले डुकरा. बड़ा हरामी हो. मोटिवेशन पाहिजे माकड साला, लिंबू सरत पेनी झोप. लिंबू सरबत नहीं, क्या होते कोकम सरबत ठीक होता. सॉरी यार दोस्तों, जिस बंदे को मैंने बोला था मस्करी का विषय, ऐसा दिल पे ना लिया जाए, बांदिलगी का विषय. सॉरी बहुत सॉरी, मैं चले गया होगा वो. नहीं नहीं. आई गो. जय भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग ऑन द पॉडकास्ट. आईडी जय, मेरे साथ है श्रीमान भाई है गरुड़ा, जो सुल्तान मेरा भाई, उसके हीरो, और उनका मूवी 2 भी आ रहा है. देखिए दोस्तों, वो मूवी आने वाला है, टाइम है, इसीलिए वो लूप में कर रहा हूँ. तो प्यार देना, लाइक शेयर कमेंट, abhijit.a.j. सुल्तान मेरा भाई. ये ना एक सेकंड में तू है मेरी कांता, जा जास्त जास्त घ्या पण लवकर द्या. मग सीबीआर अवेलेबल तर होते काय बोलतात माहितीये का, मी एका शोरूमला विचारपूस केली तर ते 3-4 महिन्याचा वेटिंग पिरियड आहे, 4 महिन्याचा मिनिमम वेटिंग पिरियड असं काहीतरी बोलले ते. मी बोललो 4 महिन्यात आम्ही वेटिंग करणारे लोक नाही आहोत. अच्छा, हवं तर 2 अडीच हजार अरे हे एक्झॅक्टली त्यांच्याशी रिलेट करून घेत.
ये हम लोग एटीट्यूड में बोल रहे हैं भाई, हम चार महीने तो वेटिंग करने वाले लोग हैं नहीं, तो शोरूम वाले अच्छा ये तू कौन है बड़ा मेन लुक क्या, ऐसा मन में बोलने का विषय, फिर से एक बार देखते मस्त वाटा। चार महिन्याचा मिनिमम वेटिंग पीरियड असं काहीतरी बोलले ते, मी बोललो चार महिन्यात आम्ही वेटिंग करणारे लोक नाही आहोत। किती फीलिंग बोलला रे, पण वेटिंग पीरियड नका देऊ, दोन अडी सजर जास्त घ्या पण वेटिंग पीरियड नका देऊ। अरे सीबीआर सीबीआर एकदा चेक कर, त्या दिवशी त्या पोरांना दिले रे सीबीआर काय, मामाने हजार रुपये प्लस घेतले आणि 2000 एक्स्ट्रा घ्या आणि गाडी लगेच देऊन टाका। अरे बांधील की बांधील की, ठीक है ना, ठीक है दोस्तों, ज्यादा लालच नहीं देनी चाहिए, थोड़ा दो एक हजार में भी विषय हो जाना मंगता है इस दुनिया में, हर चीजें पैसों पे नहीं तोड़ी जा सकती। माझ्या हातात आहे, मला दिसतंय की मी जर प्रयत्न केले तर होईल, पण मला माहिती नाही मला लास्ट मोमेंटला काय होतंय। नाही, आज मी मेलो तरी चालेल, पण मी स्वतः कम्प्लीट करणार भाई, आज काय होईल ते जाईल। सचे रे एक्झॅक्टली सचे, माझ्या हातात आहे, मला दिसतंय की मी जर प्रयत्न केले तर होईल। ये फील किया यार ऐसा कितनी बार दोस्तों, एग्जाम में सेम चीज कितने लोगों ने फील किया, सच बता रहा मुझे कि अपने हाथ में होता है सब चीज, अपने को पता था कि हाँ हम कर सकते हैं, जो एग्जैक्टली एग्जाम पे बैठने के बाद क्या हो जाता है पता नहीं यार, पूरा सुना सुना हो जाता है माइंड साला, दिमाग इधर उधर बस देखते रहता सबको कि कुछ तो सहारा मिले, पाठ केलेले पण कुछ तो यहां ना यार, कुछ तो यार कोई तो मदद कर दे, चल तेरे एग्जाम के पेपर मतलब इधर लेफ्ट और राइट में पीछे आगे जो बैठे ना, फिर हम शुरुआत में वेट करते रहते कि इनका कब खत्म होगा, मतलब अपन एज्यूम करते कि एक आध घंटे में हो जाएगा, तो हम एक डेढ़ घंटे तीन घंटे का पेपर है, एक डेढ़ घंटे वेट करते, आता होईल नंतर होईल, तब तक अपन कुछ मन में आ रहा है वो लिख रहे एड़े की तरह, और जैसे ही किसी का हुआ ऐसा ना झालं तुझं वेळ आहे दाखवा प्लीज, थोड़ा दिखा रहा है प्लीज प्लीज, तो थोड़ा थोड़ा पॉइंटर उसका देख के लिखते जाने का अपन ने जो याद किया सब भूल के उसके सारे पे अपन जीने का, उसने भी कहीं से रट्टा मारेला रहता है, उसको भी पता नहीं होता है उसने क्या लिखा है, उसको मॉडिफाई करके हम लिख रहे होते, और एग्जाम में जब मार्क्स आते एग्जाम के पेपर आते हैं उसमें मार्क्स आते हैं थुम्बा ढुस काम 25 काठावर पास नहींतर ना पास विषय क्लोज। ये क्या है लड़की के टॉपिक मालूम है, एक दिन में हम रात में थे, तीनों ही थे, मैं श्रीमंत था और चेतन था, और हम तीनों ही ऐसे घूम रहे थे रे, ये सफर का ट्राई लेके किधर उधर गया, लुधियाना से आगे सोसाइटी है उधर गया, हैरियर लेके धूल उड़ाते हुए, मुझे तो दिखे भी नहीं, मैं एक्टिव पे था, तो मैं एक से वीडियो कॉल पे बात कर रहा था लड़के से, श्रीमंत जैसे आया ना उसको बोलता है ए इतने बड़े चेहरे वाली लड़की थी, कंटिन्यू बोल रहा था एक्टिव पे, देख उसके फोन ले, अरे तुझे क्या करना है श्रीमान, अपना हैरियर चल श्रीमान, उसको चिल्लाया फिर भी उसको इंटरेस्ट, हम जब एक जगह पे रुके ना उधर उसने मुझे पूछा ही कौन थी इतने बड़े बड़े चेहरे की, ये क्या और बड़े चेहरे की ये मैटर होते हैं भाई, अरे चेहरा भीरा, अरे एक तरह बारीक असतो चेहरा, काय मोठा असतो बड़े चेहरे की लड़की, छोटे चेहरे की बारीक मास वाली लड़की, ये कौन सा वरेण का विषय है, अरे बाबा यही चलता है रात को जब अपना स्क्रीन पे यही चलता है, एक एक का बाल लाल दिखा तेरी लाइफ में सब बड़े चेहरे वाली लड़कियां क्यों है इसके ऊपर मुझे एक्सप्लेनेशन दे, मेरे लाइफ में लड़कियां ही नहीं है, झूठ बोलो, मैं अकेला हूं श्रीमान, बार बार झूठ बोलो, तो मेरे लाइफ में अभी फिलहाल अच्छा ठीक है, मैंने चुप्पी साथ ली दोस्त, और वाई वाई का विषय मत लो, तू जब जाता तू अपन कब घूमने जाते थे चेतन को जो इग्नोर मारता था ना, तो मैं
बोला बोला करता था कि भाई उसको ले चल, उसके सिवाय मजा नहीं है, ये मैं भी बोला हूं ना। लेकिन जैसे ही आते तो इज्जत उतरने पे चालू, दिखने पे, तू ऐसे दिख रहा है, तेरा कपड़ा क्या पहन, अरे कपड़े पे जज मत कर दोस्त। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बाप रे, ये गहन टॉपिक क्यों मीम में लिया गया है भाई? हाँ, ये गहन टॉपिक क्यों मीम में लिया गया है दोस्तों? शुभम दंगे 29 रुपीज सुपर चैट, आकाश बुलबुले बुलबुल 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 बुलबुले थैंक यू 50 रुपए बच्चा, और 20 रुपीज अननोन फोन पे से आए हुए हैं आर्यन पाटिल, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग कंडू कब्जा सोसाइटी। तू जब जन्म भी नहीं था तब से काम कर रहे हैं हम लोग। ये क्या बात करता है यार। तू जब जन्म भी नहीं था तब एक मिनट एक मिनट ये कुछ गहन है, ये कुछ गहन है, के सिवाय मजा नहीं है, ये मैं भी बोला हूं ना। लेकिन जैसे ही आते तो इज्जत उतरने पे चालू, दिखने पे, तू ऐसे दिख रहा है, तेरा कपड़ा क्या पहन, अरे कपड़े पे जज मत कर दोस्त। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तू जब जन्म भी नहीं था तब से काम कर रहे हैं हम लोग। करण तेरी उम्र इतनी ज्यादा है कि वो जब जन्मा नहीं था तब से तू काम कर रहा है। अरे बाबा डायलॉग, अबे डायलॉग तक मैंने खुद तुझे देखा हुआ है, तू कौन सा इतना इतना बूढ़ा है, इतना बड़ा है, जो तू वो जन्मा नहीं था तो तू कौन सा काम कर रहा था, रवीड भट्टी पे था क्या है? अरे बाबा आए थे डायलॉग नकाए थे हेवी हो, इज्जत पे जामी बद दोस्त, तू जब जलमा नहीं था ना तब से हम काम कर रहे हैं। अबे कुछ पटेगा ऐसा डायलॉग ले हा? वो आयुष को तो बोलेगा ना तो ठीक है, उसको तो सूट हो जाएगा, इसको कैसे सूट कर रहा है यार। ये क्या बात करता है यार। तू जब जन्म भी नहीं था तब से काम कर रहे हैं हम लोग। आई बोल तो करूं क्यों बड़ा मत। अरे उधर भी रिएक्शन वैसे है। बताना चाहिए जो जन्मा भी नहीं था तब से ये काम कर रहे थे, चला गया। अरे इतना कब तू बड़ा हो गया, मुझे तो पता भी नहीं चला। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। मना तील से बोलता है तेरा, मना तील से बोलता है, जरा फ्लो में बह रहा है डायलॉग में, और उस टाइम एक्टर भी सलमान सलमान ला सांग जाम हसतो तो। अगर तेरे कंधे मुंह से सलमान के लिए एक लफ्ज भी निकला ना दोस्त, तो आज की मीम स्पीच है ना स्पेशल कर दूंगा स्पेशल। ए नहीं नहीं, कल सवेरे और मीम्स बनेंगे इसके ऊपर। और मेरे को उसी बात बोल दिया यार, इसी स्ट्रीम से अनसर्ट कंटेंट निकाल रहे हैं लोग, ये देख सब जगह पे वही। लड़की को रिस्पेक्ट चैट में हमेशा चाहिए, प्यार हमेशा चाहिए, विषय क्लोज है। और जितने भी चैट में लड़कियां वो तुम्हारी सबकी बहने, तुम्हारी सबकी बहने। अरे रुको जरा, सबर करो, अभी बदत है भाई, अभी बदत है। श्रीमान तेरी उंगली मेरे तरफ आ रही है, श्रीमान तेरी उंगली हमारे, तेरी उंगली तेरे ऊपर ले, हमारे इधर उंगली मत कर तू, तू ऐसे वैसे कर, तू लोगों को बता रहा है ना, तो तेरी उंगली अच्छी वाकड़ी दिखने कर, मेरे एकदम डोले पे आ रही है तेरी उंगली, मेरे इधर मत दे, मुझे नहीं इतनी बहनों पे तेरी रक्षा बन। बढ़िया था।